आज की ये वीडियो आपके मन को शांत करेगा, जिससे आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपका पूरा मन लगेगा। इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा देखें और अगले 10 मिनट आप बताई गई सभी बातों का अभ्यास करें और स्वयं पर केवल ध्यान केंद्रित करें। ध्यान के दौरान साधकों के साथ ऐसे कई सारे अनुभव हैं जिससे साधक डर जाते हैं। ये अनुभव बहुत डरावने होते हैं, जिसके कारण साधक जान ही नहीं पाता कि उसका ध्यान सद रहा है या नहीं, और वो ध्यान बीच में ही छोड़ देता है। यही वो स्थिति है, प्रत्येक साधक के लिए बड़ी दुखदाई होती है। साधक ध्यान के अनुभव में जाता है, ध्यान की कठिन साधना करता है, परंतु जब उसे वास्तविक अनुभव होते हैं तब वो डर कर ध्यान छोड़ देता है, जिससे उसकी उठी हुई चेतना वापस नीचे गिर जाती है। दोस्तों, यदि आप ध्यान दें तो पाएंगे कि जितना जल्दी आपके इस स्थूल शरीर में चेतना उधरवर भ्रमण करती है, उतनी ही जल्दी ये चेतना नीचे की ओर गिरने भी लगती है। यह समस्त ब्रह्मांड या इस ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त चीजें हमें प्रभावित करती हैं। जब हम ध्यान की अवस्था में विचरण करते हैं तो हमें कई सूक्ष्म अनुभव होते हैं। ये अनुभव बड़े ही डरावने भी हो सकते हैं, और यदि आप इन अनुभवों से डर गए तो ये आपके लिए बहुत घातक भी हो सकती है। तो आज की ये वीडियो अनुभवों की बात करेंगे जो साधकों के साथ ध्यान के दौरान होती है। यदि आपके साथ भी ये अनुभव हुए हैं तो आप बड़े ही किस्मत वाले हैं। ऐसे अनुभवों का सीधा सा अर्थ है कि आप ध्यान मार्ग में प्रगति कर रहे हैं और ध्यान आपका फलित हो रहा है। तो आइए जानते हैं उन अनुभवों के बारे में। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो की शुरुआत करें। ध्यान के दौरान आपका होने वाला पहला अनुभव है कि आपके मस्तिष्क यानी कि थर्ड आई तीसरी आंख पर वाइब्रेशन होती है, कुछ हलचल सी होती है। साधकों को ऐसा भी महसूस होता है कि उनके सहस्त्रार्थ चक्र पर कोई चीटी चल रही है। इन साधकों की ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि उनके आज्ञा चक्र पर इतना खिंचाव पैदा हो जाता है कि वो उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, सहज नहीं रह पाते। ये स्थिति उनके लिए बहुत पीड़ादायक होती है। यदि ऐसा हो रहा है तो इससे आपको घबराना नहीं है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी ऊर्जा शक्ति जागृत हो रही है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे इस स्थूल शरीर में बहुत सारी ऊर्जाएं विद्यमान हैं। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में सब कुछ मौजूद है, ऐसे ही हमारा ये स्थूल शरीर ब्रह्मांड का प्रतीक है। जो भी हलचल इस ब्रह्मांड में होती है, उन सब का प्रभाव हमारे इस स्थूल शरीर पर भी पड़ता है, जिससे न केवल हमारा ये शरीर प्रभावित होता है बल्कि हमारा मन, मस्तिष्क, हमारी ये समस्त काया प्रभावित होती है। इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी शक्तियाँ जब हमारे इस स्थूल शरीर में उपस्थित ब्रह्मांड की शक्तियों से एकाकार होती है, तब हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें ये ज्ञान ही नहीं है कि जो शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में उपस्थित हैं वो सभी शक्तियाँ हमारे स्थूल शरीर में भी उपस्थित हैं। और जब ये ब्रह्मांड की शक्ति हमारे स्थूल में उपस्थित ब्रह्मांड की शक्ति से एकाकार होती है, तब हमारे शरीर की ये 72,000 नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती है। इन 72,000 नाड़ियों में वाइब्रेशन स्पंदन होने लगता है, जिसके कारण इस स्थूल शरीर में उपस्थित तीन मुख्य नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। जब इन ऊर्जाओं का प्रवाह हमारे इन स्थूल शरीर में बढ़ने लगता है, तब सुषुम्ना जो कि आध्यात्मिक नाड़ी है, जिससे हमारी आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट होती है, वो सक्रिय हो जाती है और उसके कारण ही हमारे इस मस्तिष्क यानी कि आज्ञा चक्र पर खिंचाव पैदा होता है। तो यदि आपकी थर्ड आई मस्तिष्क पर खिंचाव पैदा होता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है तो आप सुबह उठकर थोड़ा भ्रमण कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन डरकर आपको ध्यान को बीच में नहीं छोड़ना है। साधकों को होने वाला अगला अनुभव ये है कि ध्यान की अवस्था में बैठकर उन्हें कई सारे नाम सुनाई देते हैं या घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है।
बांसुरी की ध्वनि भी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों को ये सुनाई देती है तो कुछ लोगों को सर्प की ध्वनि, डमरू की ध्वनि भी सुनाई देती है। ये इस पर निर्भर करता है कि आपके आराध्य कौन हैं। यदि आप भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं तो आपको डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। कुछ लोग भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, इस वजह से उनके मन में ये स्थिति उत्पन्न होती है कि उन्हें बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। तो अब ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है कि व्यक्ति जब साधना की उच्च अवस्था में पहुंचने लगता है, यानी ध्यान की गहराइयों में गोते लगाने लगता है, तब उसके कान में सुनने की क्षमता विस्तृत हो जाती है, बढ़ जाती है। उनके कान में खिंचाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो अग्रसुर ध्वनियों को भी बड़ी आसानी से सुन सकता है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके इस स्थूल शरीर में अनगिनत ध्वनियाँ विद्यमान हैं। जिस प्रकार ब्रह्मांड में मौत की ध्वनि विचरण करती है, ऐसा साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है। नासा ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि ब्रह्मांड की ध्वनि कुछ ओम की ध्वनि जैसी है। ऐसी ही ध्वनियाँ हमारे स्थूल शरीर में भी विचरण करती हैं और ये ध्वनियाँ अदृश्य होती हैं। हम लोग मोह माया के कारण इन ध्वनियों को सुन नहीं पाते, क्योंकि कभी हम खाली बैठते ही नहीं, हम माया कमाने में व्यस्त हो जाते हैं, जिसके कारण हम अपने शरीर की ध्वनियों को सुन ही नहीं पाते। और जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, ध्यान सद्ता है, तब भीतर की ध्वनियाँ हमें सुनाई देने लगती है। और जब ऐसी ध्वनियाँ हमें सुनाई देती है तो आप ईश्वर के कृपा पात्र हैं। तीसरा अनुभव ये होता है कि जब साधक रात्रि में सोता है तो उसको अजीब अजीब से डरावने सपने आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई उसके सामने खड़ा है, उसकी पीठ पीछे कोई खड़ा है, तो ऐसी अवस्था में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है। ध्यान साधना को करने के बाद आपने अपने आप को इतना शुद्ध कर लिया है कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित तमाम सूक्ष्म शरीर आपसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं। संबंध स्थापित करने का उद्देश्य ये है कि वो भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, और उस सूक्ष्म शरीर में उपस्थित आत्माओं को ऐसा लगता है कि जैसे कि ये शरीर है जो उन्हें मुक्ति दिला सकता है, सागर से पार ले जा सकता है। इसके लिए आपने देखा ही होगा कि अच्छे व्यक्तियों से हर कोई संबंध बनाना चाहता है, तो ये आत्माएं भी आपसे संबंध रखना चाहती हैं, आपके साथ भवसागर से पार होना चाहती हैं, मुक्ति पाना चाहती हैं। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग ध्यान साधना नहीं करते, उन्हें ये अनुभव क्यों नहीं होता? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपना जीवन शोर में जी रहे हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, और कोई भी बुरे लोगों से क्यों ही संबंध बनाना चाहेगा। तो इसलिए आपके साथ ऐसा कोई भी डरावना अनुभव हो रहा है तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये आपको ध्यान की गहराइयों में ले जाएगा। चौथा अनुभव है अपने ईष्ट के दर्शन। बहुत से ऐसे साधक हैं जिनको ध्यान के दौरान उनके ईष्ट भगवान के दर्शन होते हैं। अब यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप सोते हैं और उस समय ईष्ट के दर्शन कर रहे हैं या ध्यान की अवस्था में दर्शन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जब आपकी साधना उच्च कोटि की हो गई है, इसलिए आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अब यदि ऐसा अनुभव आपको हो रहा है तो आप डरिए मत, अपनी साधना को कंटिन्यू करिए और आगे बढ़िए। अब भगवान भी आपको आगे का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, साक्षात रूप में आप भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, तो आपको डरने की क्या ही आवश्यकता, बल्कि अपनी साधना को और गहरा करने की आवश्यकता है। पांचवा अनुभव, कुछ साधकों को ऐसा अनुभव होता है कि कोई उनका मृत परिजन दर्शन देता है, दिखाई पड़ने लगता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है, तो ऐसी अवस्था में आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। वैसे भी शास्त्रों में पितरों को भगवान की उपाधि दी गई है, ये पितृ भगवान के समान हैं, जो हमारा समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं। यदि आपने भगवद कथा सुनी होगी तो आपने सुना ही होगा कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति चाहता है, गहरा ध्यान साधना चाहता है, तब वो अपनी पुरानी 7 पीढ़ियों के दुख को तार देता है, उनको आगे ले जाता है,
ध्यान साधना के साथ वो न केवल अपना मोक्ष प्राप्त करता है बल्कि अपने प्रियजनों और पितरों को भी मोक्ष के द्वार तक ले आता है। इसलिए ध्यान की इस अवस्था में आपको अपने प्रियजन और पितर भी दिखाई दे सकते हैं, तो ऐसे में आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये सभी अनुभव अच्छे अनुभव है और ये आपको ध्यान की गहराइयों में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। तो यदि आपको ऐसा कोई भी अनुभव हो रहा है तो आप यकीन करें कि आप ध्यान की गहराइयों में उतर रहे हैं और आपका ध्यान फलित हो रहा है। इसलिए यदि ये 5 अनुभव आपको हो रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ऐसी और भी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को देखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।